说大家说说对不对是三个 K 给你了然后你们的是没有什么来给你给你们就三个三个是一个给你们的हरियाणा के इस तुम्हारों में बहुत बड़े बड़े संत महात्मा बहुत ही साढ़े पूज्य श्रद्धा योग सारे लोग पधार रहे हैं मैं उन्होंने सबन बहुत बहुत प्रणाम कर रहा हूं बहुत बहुत उन्होंने सम्मान कर रहा हूं अभिनंदन कर रहा हूं साढ़े बच्च यानी इकबाल सिंह जी महाराज जो जथेदार साहब ने बाबा अजीत सिंह जी जिला साहब सिरसा इस तरह बाबा गुरमेल सिंह जी तलोकी वाले बाबा कश्मीर सिंह जी प्रबंधक बड़ौदे वाले बाबा गोविंद सिंह जी मांडी वाले बाबा मान सिंह जी मेवा वाले बाबा धर्मजीत सिंह जी यमुनानगर बाबा जोगा सिंह जी करनाल को बीबी जसविंदर कौर जी गढ़ वाले बाबा देवेंद्र सिंह जी सराणा वाले बाबा प्रीतम सिंह जी मरड़ी संतबाबा गुरपाल सिंह जी चोरमार संत कश्मीर सिंह जी करनाल संत निर्वाल सिंह जी रोहतक संत जैन मुनि मुकुल जी संत गुरपाल सिंह जी बाबा मोहनदास जी अलीता बाबा दर्शन सिंह जी दादू मेरा बाबा मोहन पति नशीन बाबा भंडार जी बाबा मेजर सिंह जी बाबा कुंदर सिंह जी बाबा शिवानंद जी केवल संत बाबा सुखदेव सिंह जी संत बाबा दर्शनदास जी डबड़ी मंत कुमदास जी संत बाबा नरेंद्र सिंह जी रामपुर महंत बलगीर गिरी जी दादू संत बाबा छोटा सिंह जी मस्तवाड़ा बाबा सुखपाल सिंह जी लखनवाली यानी महेंद्र सिंह जी जवाबवाली इन्हों संतों के अलावा भी साढ़े बहुत सारे नेता पार्टी के लोग आज इस सम्मेलन में शामिल हुए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश के प्रधान श्री सुभाष बराला जी हरियाणा सरकार के मेरे साथी मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी साढ़े बहुत सारे विधायक विशेष करके गुरुवंत बख्शी सिंह जी विरक दिल्ली तो बधाए राष्ट्रीय सिख संगत के नेशनल लीडर श्री अविनाश जायसवाल जी श्री जगदीश चोपड़ा जी श्री गुरविंदर सिंह जी जिन्होंने इस सारे सम्मेलन का इस आयोजन का बहुत निघे तरीके इंतजाम संभालिया है इस सफलता के पिछे बहुत सारे लोग भावे वह संत महात्मा ने भावे साढ़े पार्टी के लोग ने भावे सेवादार ने सब के नाम लेंगे बहुत ही कठिन है लेकिन सब नाल आज इस सिरसा के जल समुद्र के आए सारे मेरे वीरों भैनों भावों पहली सार समितियों मैं इस अवसर से इस वेले इतने सब श्री गुरु नानक देव जी ने 550 साल का जरा ये उत्सव मना रहे हैं बहुत
तुम्हें बधाई फिर फिर शुभकामना। आज अस जानने के महापुरुखों का इतिहासिक बहुत सारे महापुरुख हो रहे, उन्होंने जो उपदेश ने उन्होंने जी शिक्षा है साढ़े जीवन चुना बहुत महत्वपूर्ण है। ये ठीक है कि मां प्यो बालक को जन्म देता है, बालक जिसे बड़ा होता है तो परिवार की जी शुरुआती शिक्षा है उसके बाद साढ़े गुरुजन सू शिक्षा देते हैं साड़ी पढ़ाई और पढ़ाई के नाल साढ़े जीवन के कुछ जिम्मेवारियां बढ़ जाती ने कि असी अपने जीवन की करना है की साड़ा टीचा है। लेकिन खाली शिक्षा नाल गल नहीं बनती, जब तक संत महात्मा के उन्होंने नाल रह के उन्होंने बाणी सुन के उन्होंने उपदेश सुन के जब तक उस शिक्षा के नाल संस्कार नहीं आते, अच्छिया अच्छे विचार अच्छिया गल्लां साडे जीवन च नहीं आउंदियां ते साडे जीवन दे जो असीं करना चाहना असीं कदी कर नहीं सकते। खाली थ्री आर एजुकेशन रीडिंग राइटिंग आथमैटिक इहदे नाल जीवन नहीं सुधरदा। जीवन नूं सुधारन वास्ते इहनां संतां दे नाल इन्हों की शरण च जाके जब तक असं कोई शिक्षा नहीं लवेंगे तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता। तो मैं आभारी अपने संत समाज का सारे देश तो हरियाणा के अलावा दिल्ली तो पंजाब तो राजस्थान तो दूरों दूरों संत आए हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि इन्ने बड़े इस समागम आके सानू सब ने संदेश दिता है सानू सब को उपदेश दिता है। असी अपने इतिहास को देखिए जिस वे श्री गुरु नानक देव जी प्रगटे सन उस वे साडे समाज की हालत इस देश के समाज की हालत बहुत बदतर सी। आपस भाईचारा नहीं सीगा, लोगों का विश्वास टुटाया सीगा, कुछ विदेशी आक्रमण का वो इस देश को इस देश के समाज को गुलाम बनाने वास्ते एक एक कदम आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी ने उस वेले भक्ति राही समाज को किवें जागृत किया जाए ऐसे खास करके उत्तर भारत बहुत बड़ा एक तरीका किया, बहुत बड़ा एक बड़ा किया, बहुत बड़ी स्लोगन दी लोगों ने जागृति पैदा की। और फिर जिवें असीं जाणदे हां कि गुरु नानक देव जी जिथे जाते थे लोगों के एक नवी जागृति आती थी, सारे देश भ्रमण जिले किया ते सिरसा की इस भूमि का यह भूमि बड़ी खुश नसीब है कि इतने भी आके उन्होंने चलिया अपना पूरा किया। चलिए का मतलब 40 दिन इतने आके रुके और जिस भूमि से आके रुके जिस भूमि को पवित्र किया उत्ते अज गुरुद्वारा जिला साहब उत्ते ही स्थापित है। गुरुद्वारा जिला साहब के साथ बाबा जी इतने बैठे हैं, बाबा अजीत सिंह जी पिछले दिनों में मिले थे कि इन्होंने जिस जमीन पर गुरुद्वारा है वो नजूर लैंड है। नजूर लैंड आमतौर पर सरकार की जदाद होती है। इन्होंने कहा सैकड़ों साल तो उड़ी अपनी प्रकाश गुरुद्वारा साहब का प्रकाश हो रहा गुरुद्वारा साहब उत्ते ने, अगर सरकार की जमीन बनी भी रहेगी तो सरकार कदम लैके सड़की नहीं, क्यों नहीं इन परमानेंट गुरुद्वारा जिला साहब के नाम करता जाए। मैं उस दिन मन गया असी इन पूरी कोशिश करके लावे और मैं अब तुम्हें दसना चाहना कि वो फाइल बन गई है। बाबा जी ने दसता है इसी हिसाब से भी मेरी गल हुई है, वो फाइल अगे बढ़ के जी गवर्नमेंट की पॉलिसी होंगी है उस हिसाब तक असी वो जमीन गुरुद्वारा साहब के नाम कर रहे हैं।
सेवा दे संस्थान अगे वधन उत्ते किसी तरह का भी लोग भलाई का काम अगर अगे वधाणगे करणगे ते सरकार उहदे च मदद करेगी ताकि लोगों को भलाई का पता चले। हर काम अच्छे लोगों को हथियार देगा
भावे संत समाज के रूप में जाओ, भावे शासक के रूप में जाओ, भावे अध्यापक के प्राध्यापक के रूप में जाओ, भावे समाज सेवी के रूप में जाओ, कोई भी काम है अच्छे काम करवाते अगे आओगे समाज का भी भला और अपना फर्ज भी असी निभावे। जरा बंदा अपना फर्ज निभाएगा वह संतोष होगा और काम करवाते सब तो पहला अपने आप को त्याग करना पड़ता है। त्याग करना ही उसी सब कुछ कर सकते हैं, स्वार्थ देना ही नहीं कर सकते। अगर अपना स्वार्थ है तो स्वार्थ पूरे करते रहेंगे, जनता की भलाई नहीं कर सकते। हरियाणा में जैसे मेरे 5-7 तो साढ़े जिम्मे काम कर लिया, अभी भरपूर काम कर रहे हैं, वो हमें हमें सड़कों का निर्माण हो, स्कूलों का निर्माण हो, बिल्डिंग हो, जो असं कहने डोल पड़ देगा उसी खूब कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी गल नहीं है। सब आने के लिए करेंगे, असली काम है मनुख के निर्माण का, उसकी सिक्ख्या का, उसके संस्कारों का, अच्छे गुणा का, वो भी असं अपने जिम्मे लिया कि अगे तो शिक्षा अच्छी असं करा। अभी क्या जो आने वाले टाइम से सिक्ख्या और हेल्थ की जी सा जरूरत है वह पूरी करनिया, सिक्योरिटी सुरक्षा इंडिया जरूरत पूरी करनिया, ये साढ़े अगले एजेंडे है, असं आने वाले टाइम से सारी चीज़ें पूरा पूरी करा। लेकिन कले सरकार नहीं कर सकते, इस कर वास्ते खास करके समाज का जरा निर्माण करना होंगे, पूरी सोसायटी का जगत का, जिसने असं संगत का इस तरह कोई भावना बनावे कि इकट्ठे होके एक नारा चलो अपने भाईचारा ये प्रेम बनाया रहना चाहिए, एक नारा का पाठ, ये सारा ये संतान को जब तक असं नहीं सिखाएंगे तब तक असं सब मिलकर अगे नहीं बढ़ सकते। नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिता कि सबका साथ सबका विकास, सब नाल चलांगे तो अपना भला होगा, सारे नाल नहीं चलांगे तो भला नहीं हो सकता। असं हरियाणा जा रहे हैं क्या, असं हरियाणा जाते हैं क्या कि असं अपने समाज को यह जाति पाति वंडना जरा पिछला लोगों ने किया नहीं कर दिया। साढ़े वास्ते सब जातियां बराबर ने, साढ़े वास्ते पूरे हरियाणा का हर जिले का काम बराबर है, साढ़े वास्ते कोई छोटा नहीं है कोई वड्डा नहीं है। हाँ जिहड़ा गरीब गुरबात है जिहड़ा कमजोर है उहदी मदद पहले करना, उहदी मदद पहले करना यह साडा फर्ज है। माता गुजरी का नाम है पी एन डी ए का मामा सिंह
सड़क से कि मानव चौक को लेके और आगे उस सड़क का नाम माता गुजरी देवी थे गुजरी कौर गुजर भाई गुजर भाई माता गुजर माता गुजर कौर का नाम कैसे सड़क का नाम रखे चाहे वो 150 साल जिस वे पटना साहब का प्रोग्राम थी था उस वे दो गड्डिया चलाने की गल आई थी एक अंबाले पे सर साहब दो गड्डिया स्पेशल भेजिया थी और हम भी असि तय किया है कि जिन्हें तीर्थ स्थान ने उन्होंने तीर्थ स्थानों पर भावे वो सिख समाज के तीर्थ स्थान ने हिंदू समाज के तीर्थ स्थान ने या किसी होर समाज के तीर्थ स्थान ने उसे जो लोग जाते हैं उन्होंने 50% कंसेशन दे के और असं भेजने कि अपने तीर्थ स्थानों पर जो जाएंगे बुजुर्गों को खास करके छूट देने कि वो जा करके और उन्होंने तीर्थों पर जाके और रह के आओ भावे जो बनारस का सी क्योंकि बनारस के साथ अनुसूचित जाति के लोग बहुत जाते हैं रविदास जी का वर्ष वाल्मीकि का स्थान वो बनारस के नाम होया उसे जाते उन्होंने विशेष विशेष छूट असी दिखती है और इस तरह जिन्हें भी तीर्थ स्थान ने उसे जाने साढ़े सारे प्रोग्राम जो रहे बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी लोहगढ़ यमुनानगर जिले है इसलिए पता लगा कि इतने उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और पहला सिख राज कायम किया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उत्थों चलाया उसे बहुत सारी जमीन है जो खंडर पे है अब उतों अवशेष मिलते हैं उन्होंने ढोलिया है साहब गुरविंदर सिंह जी वाले की उसे लगी है उसे असं ट्रस्ट बना के एक समार बंदा सिंह बहादुर जी के नाम एक समार बनेगा और उसे जिन्हिया भी लड़ाइया साढ़िया सिख गुरु यानी साढ़े सेनापतियों ने जो कितिया ने उन्होंने शस्त्र अस्त्र उन्होंने जो म्यूजियम है वो भी बनेगा और होर इनका उसे मार्शल आर्ट का ये स्कूल बनाने की गल की है उस ट्रस्ट का फॉर्मेशन हो गई है उस कॉलेज का नाम गुरु पुत्रां दे नाम रखा जाए बाबा फतेह सिंह जी के नाते उस